अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बिल्कुल खुशबाश होंगे। तो आज हम करने लगे हैं एक बहुत ही प्यारा सा आई मेकअप ब्लू शेड के साथ। आपको पता है ब्लू शेड और ब्लैक शेड जो होते हैं वो कभी भी मेकअप में आउट नहीं होते, हमेशा इनका ट्रेंड जो होता है वो इन रहता है। किसी ना किसी फॉर्म में लोग इसका मेकअप पसंद करते ही हैं, यानी कि कौन से ब्लू शेड्स के साथ और आई शेडो के ब्लैक आई शेडो के साथ। तो हम इसमें आज रॉयल सी एक लुक निकालने वाले हैं ब्लू आई शेडो के साथ। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको ये बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप न्यू हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो जी हम शुरू करते हैं अपना प्रॉपर जो अब आई मेकअप। हम सबसे पहले तो हमने क्रिस्टीन की डर्मा एक्स के साथ आई बेस बनानी है। मैंने आपको पहले इसकी एक सेपरेट वीडियो भी बना के दिखाई है जिसमें मैंने आपको बताया था कि आई बेस कैसे बनाते हैं, क्योंकि आई बेस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ जो है वो आपकी जो आई मेकअप की लुक है उसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो सबसे पहले अब हमने बेस लगाने के बाद मैंने ब्लू शेड, जो दो तरह के शेड्स हैं उनको मिक्स करके, दो ब्लू शेड्स को मिक्स करके मैंने एक शेड बनाया और उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। आप देखिए ये ज़्यादा डार्क ब्लू नहीं है, मुझे थोड़ा सा डार्क ही चाहिए वैसे, लेकिन मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस तरह का मुझे चाहिए है मैं वैसा ले आऊँगी इसको। थोड़ा थोड़ा सेंटर में आप अप्लाई करते जाओ। देखो अगर आपको शेप बनानी नहीं आती तो कभी भी इस चीज़ के लिए परेशान ना होइएगा कि शेप कैसे, शुरू में ही आपने लाइनिंग लगा लगा के शेप नहीं सेट करनी। आप आहिस्ता 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 शेड अप्लाई करते जाएं और उसके मुताबिक आप अपनी जो लाइन है उसको सेट करते जाएं, तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। अगर आप शुरू में ही एक लाइन पूरी ड्रॉ करके और फिर उसके मुताबिक शेड अप्लाई करना चाहेंगे तो वो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, अनटिल कि आप प्रोफेशनल ना हो। तो अब देखिए मैंने इनका सेंटर में अप्लाई करने के बाद, अब देखिए मैंने इस तरीके से सेंटर में शेड अप्लाई किया और मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया है। ब्लू शेड्स मैंने दो तरह के मिक्स करके, क्योंकि आपको पता है सम जो आई शेडो पैलेट्स होते हैं उनमें कभी लाइट ब्लू होता है कभी डार्क ब्लू होता है, तो मैंने दो तरह के ब्लू मिक्स करने के बाद ये कुछ इस टाइप का हमारा शेड निकला। लेकिन ये अभी भी मेरा मतलूबा शेड नहीं है, मुझे थोड़ा सा इसको डार्क चाहिए। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको कर लूँगी, कैसे करूँगी वो आपको मैं दिखाती रहूँगी। तो जी ये मैंने ब्राउन शेड अप्लाई किया, ब्राउन का डार्क ब्राउन अप्लाई करने के बाद मैंने इसको मर्ज किया है अच्छे से, यानी उसकी जिस तरह का मैंने शेड लगाया था आई की जो शेप है उसके मुताबिक उसको मैंने लगाया था और उसको मैंने मर्ज कर दिया। अब आपको आप देखें कि ये जो ऊपर से थोड़ा सा फैल गया इसको मैंने आई बेस के साथ एक फ्लैट ब्रश के साथ इसको मैंने थोड़ा सा नीट कर लिया। अब जी हम लगा रहे हैं स्लिस ब्यूटी है एक ब्रांड, उनकी जो लाइनर है मैं उनकी लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, उसके साथ कॉर्नर अप्लाई कर रही हूँ एक्चुअली। तो आप देखिए कॉर्नर अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से और मैं इसको फिर जो है ब्लेंड करूँगी ब्रश के साथ, यानी आपने कॉर्नर पे अप्लाई कर देना है थोड़ा सा लाइनर इनका और फिर आप इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आए और फिर देखिएगा आप कैसे, मज़े की बात है कि जो मुझे शेड चाहिए था वो मेरा कुछ वैसा वैसा सा आता जाएगा जब मैं इसको, आप देखें कि इस इतना अप्लाई करने के बाद आप ब्रश छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ब्रश से फिर आइडिया नहीं होता कि आपको कितना चाहिए और ब्रश कहीं पे ज़्यादा और कम लगा देता है। तो आप थोड़ा सा फिंगर से ट्राई कीजिएगा, फिंगर से आपकी ब्लेंडिंग कर लें आप और उसको जितना आपको चाहिए कितना ब्लेंड करना है आपने उसको फिर उस तरीके से ब्लेंड कर लें। तो अब हम जो है इनके आईब्रो सेट करने लगे हैं। आईब्रो मैंने बताया था आपको कि पेंसिल के साथ भी होता है और आपका जो कलर होता है उसके साथ भी आप, यानी आई शेडो जो कलर्स होते हैं वो मिलते हैं उनके साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ब्राउन और थोड़ा सा लाइट ब्लैक सा मिक्स करके, ताकि वो एक ना बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन लुक आए और ना ज़्यादा ब्लैक लुक आए, क्योंकि मुझे रॉयल ब्लू की तरफ जाना है। तो मैं थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ी सी डार्क सी आई शेडो रख रही हूँ, कि इतनी भी डार्क नहीं है कि भूत वाली डार्क है, मतलब अच्छी डार्क है, ना बहुत लाइट ना बहुत ज़्यादा डार्क, नॉर्मल मिड में है कहीं। तो देखें कि ये इस तरीके से मैंने, आप देखें कि आपको कैसी लग रही है आईब्रो, तो इस तरीके से मैंने इनकी आईब्रो सेट की। अब जो है हम हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हैं अपने हाइलाइटिंग एरिया में, अपने ब्रो लाइन में हम हाइलाइटिंग कर रहे हैं इसकी।
और आपको मैं बता दूं कि ये जो साइड पे जो आईब्रो बोन जो होती है उसको हमें ज़रा ज़्यादा हाईलाइट करना होता है, और नहीं सेंटर से स्टार्ट से भी करना होता है, लेकिन हमें ज़्यादा जो है वो ब्रो जो हमारी बोन है उसको थोड़ा सा ज़्यादा करना होता है। आप देखें पिक्चर्स में वो बहुत प्यारी आती है जब आप ब्रो बोन को अच्छी सी हाईलाइट करते हो। अब देखें ये कुछ इस तरीके से लुक आ रही है, आप साथ साथ देखते जाइए कि आपको मैं ब्लेंडिंग पे बहुत फोकस करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ब्लेंडिंग जो है वो आपका आई मेकअप वो उसको चार चांद लगाता है, उसको वो ज़्यादा खूबसूरत बना के दिखाता है। और आपको ये भी याद आप रखें कि आपके जो आई शेडोज़ होते हैं वो आपकी आँख के अंदर से निकलते हुए फील होने चाहिए, ना कि आपकी आईज के ऊपर रखे हुए फील होने चाहिए। अच्छा जी, तो अब हम इनके इनर कॉर्नर को सेट करने लगे हैं। तो जो हमने हमने जिस शेड के साथ हाईलाइट किया था अपने अपनी ब्रो जो लाइन है उसको, उसी के साथ मैं इनर कॉर्नर को अप्लाई कर रही हूँ। ये जो मैंने ये बहुत ज़्यादा लाइट सा एक शेड है, शिमरी, मेरी शिमर में हाईलाइट का आपको पता है कि या तो वाइट में होता है या ब्राउन में होता है लाइट सा, या फिर पिंक में होता है या गोल्डन में होता है, तो मेरा थोड़ा सा वाइट की तरफ जा रहा था। तो आप देखें मैंने इनका सेंटर में लगाने के बाद, ब्रश से लगाने के अप्लाई करने के बाद मैंने फिंगर से इसको, आपने याद रखना है कि आपने इनर कॉर्नर को भी और आपका जो आउटर कॉर्नर है उसको भी, आपने देखे हमारी मॉडल कितनी प्यारी लग रही है, ये ज़रा कोई इनको कोई चीज़ याद आ गई थी। हाँ तो आप देखें कि मैं आपको बता रही थी कि इनर कॉर्नर और आउटर जो आपका कॉर्नर है उसको आप ब्रश से ही नहीं, आप ज़रा फिंगर से भी सेट करेंगे, उसकी जो लुक है वो बहुत प्यारी आती है। तो लैशेस लगाने से पहले मैंने सोचा कि मैं इनकी जो जो अंडर लाइन जो मैंने सेटिंग करनी है, अंडर आई लाइन जो मैंने सेटिंग करनी है वो भी मैं सेट कर लूँ पहले ही, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि जो लैशेस लगाने के बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको सेट करना कुछ लोगों के लिए। तो मैं आपके मुताबिक से ही ये ट्रिक्स यूज़ कर रही हूँ ताकि आप इसी तरीके को फॉलो करें और आपकी आपको जो ईजी बहुत आपको ईजी हो आई मेकअप करना। तो देखें अब इनकी ये जो बगैर आईलैशेस के एक लुक थी, अब हमने आईलैशेस लगा के आपको दिखाई है, अब ये वाली लुक है। तो आप देखें ये इनकी कितनी अच्छी सी एक रॉयल सी लुक आ रही है। ये आप ब्राइडल पे और वलीमा ब्राइड पे, आप मतलब ब्राइडल्स पे भी कर सकते हैं, और आपको ये नॉर्मल यानी कि अगर किसी को बहुत अच्छा सा पार्टी मेकअप चाहिए, आप किसी लाइट ड्रेसिंग है आपकी, तो उसके साथ ये बड़ा प्यारा लगेगा। तो देखिए कि अब हम लाइनर अप्लाई करें, लाइनर भी मैं स्लिस ब्यूटी का ही अप्लाई कर रही हूँ। तो बारीक सा लाइनर लगाना, ज़्यादा मोटा लाइनर लगाना ही नहीं है इस पे, क्योंकि हमारा जो शेडो है आई शेडो है वो ज़रा ब्लू सी शेड में, डार्क शेड में, तो हमें लाइनर पे इतना ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा थिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जी देखिए ये अब हमारी एक फाइनल लुक है। एक चीज़ रहती है वो मैं आपको दिखाती हूँ, पहले आप ये वाला देखें, ये अब आपकी चॉइस है। अगर आप इस तरह इसी लेवल पे आके इसको रोकना चाह रहे हैं तो आप यहाँ तक इसको, आई मेकअप को अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ तक कर लें। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, स्लिस ब्यूटी का ही है जी, ये चंकी ग्लिटर्स है, मिडनाइट इनका ये नंबर है, शेडो है। अच्छा जी, तो ये इनके चंकी ग्लिटर्स हैं, तो ये भी आजकल इन है, तो मैंने सोचा आपको मैं लगा कर दिखा देती हूँ कि इसके साथ भी एक आप लुक क्रिएट कर सकते हैं, यानी विदाउट चंकी ग्लिटर्स भी आपने देख लिया और विद चंकी ग्लिटर्स भी आप देखें, क्योंकि पहले आते थे ग्लिटर्स, उसके बाद चंकी ग्लिटर्स आना शुरू हुए, थोड़े से इस तरीके से होते हैं वो, इस तरीके के आप देखें कि इसके साथ भी एक अच्छी लुक आ रही है। तो देखें कि ये इस तरीके से है। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप कौन सी यानी लुक रखना चाह रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है मेरा मेकअप समझ आ गया होगा। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगली किसी वीडियो में मैं कुछ और लेकर हाजिर होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।